नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। वायरल किस कारण से हो रही है दोस्तों? जिस भाई का चलान हुआ है उस भाई का चलान किस कारण से हुआ है? मियां बीवी दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। गाड़ी के अंदर बैठे होने के बावजूद उसकी बीवी ने जो है उसकी वाइफ ने मास्क लगा रखा था, जबकि उन्होंने खुद मास्क नहीं लगा रखा था। बस इसी बात को लेकर उनकी पुलिस वालों से बहस हो जाती है। तो जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द और जनता की आवाज़ बनकर अपना दर्द साझा किया है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके और आपकी अपनी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। ना लगा रखी हो, वाइफ ने मेरे मास्क लगा रखा है। हस्बैंड वाइफ गाड़ी में चलान, हस्बैंड वाइफ गाड़ी में मास्क लगाएंगे क्या? अब मैं इनको यहीं पे छोड़ जाऊं क्या? चलान तो कट गया, मैं घर लेके जाऊं क्या? नहीं जाऊं क्या? आप घर पे भी भेज दो पुलिस वालों को कि चलान काट भाई इनका, ये घर पे कैसे चले गए? समझ नहीं आ रही। मतलब जनता को यहाँ गुट्ठा दे दो, मार दो, बिल्कुल मार दो, क्योंकि आप लोगों के अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टरों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो आप सोच रहे हो कि जनता के यहाँ गुट्ठा दे दूं मैं? नहीं, मतलब कोई एक आदमी बोल दे कि हस्बैंड वाइफ का गाड़ी के अंदर चलान होना चाहिए, मैं तैयार हूँ और मैं तो अभी भी देके जाऊंगा। नहीं होना चाहिए ना जी? होना चाहिए मैडम। एक हस्बैंड वाइफ का नहीं होना चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ का गाड़ी के अंदर बैठे हुए चलान होना चाहिए मास्क का? हाँ जी होना चाहिए जी। हाँ जी भाई साहब होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए जी भाई साहब होना चाहिए जी। नहीं जी। हाँ जी होना चाहिए जी। हाँ जी बताइए होना चाहिए, बताइए भाई साहब होना चाहिए। ये लो जी, ये जनता की आवाज, लोकतंत्र है। एक ने भी कहा, एक ने भी नहीं कहा कि होना चाहिए। तो दुख इस बात का हो रहा है, दुख इस बात का हो रहा है, मेरे को 1500 से फर्क नहीं पड़ता। खट्टर साहब यहाँ रख दे पेटी कि हाँ भैया मेरी तनख्वाह कम पड़ रही है, मुझे तनख्वाह नहीं मिल पा रही, मैं यहाँ दान डाल के जाया करूंगा डेली कुछ ना कुछ 20-50 रुपए। पर ऐसे थोड़ी ना कि आप जनता को नजायज गुट्ठा देंगे यहाँ पे। ये सब नजायज कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल नजायज। आपकी रैलियों में काफी हो रहा है, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हो, आप बगैर मास्क के थे, किसी ने आपका चला वो, फिर वो किरण बेदी थी, बस वो किरण बेदी थी और वो इंदिरा गांधी थी। नहीं वो किरण बेदी थी, अब तो मेरे ख्याल से किरण बेदी नहीं रह रही यहाँ पे। आपने शायद इनको भी इतना दबा दिया, इतना दबा दिया कि इनमें कोई किरण बेदी बनने की भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा आप। है और वो पुलिस वाला अब है नहीं जी, मैं बता रहा हूँ, जिसके नाक पे मास्क था, जिसने हमें रोका था, उसके नाक पे मास्क नहीं था। हाँ और वो इस टाइम यहाँ से नदारद है। मेरे पास तो फोटो है, मैं भेज दूंगा जहाँ भी इसमें होगी, सोशल मीडिया को चाहिए होगी, किसी प्रेस रिपोर्टर को चाहिए होगी। पर मैडम मैं चाहता हूँ आप लोग किरण बेदी बने, हम आप लोगों को सल्यूट करें, हम लोग आप लोगों को सल्यूट करें, आप किरण बेदी बने। कब बनोगे आप? है कौन 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 ऐसा होगा जिसने कानून की शपथ लेके बगैर मास्क वाले नेताओं का चलान किया होगा? एक की हिम्मत नहीं है किसी की करने की। आम जनता को गुट्ठा दे रखा है सब लोगों ने, यहाँ पे सबने गुट्ठा दे रखा है। हाँ पब्लिक जाओ भाई, जाओ जाओ चलान, नहीं तो चलान थारा भी कट जाएगा भाई, जाओ तुम भी यहाँ से, मैं तो थारा भी काट देंगे किसी ना किसी वजह का। हाँ तो भरूंगा भाई, चिंता मत करे यार, मैंने बेरा मारे भरे तो थारी तनख्वाह आएंगे भाई, हमने बेरा भाई। और मेरे करते नहीं मेरी भाई, 140 करोड़ जनता के टैक्स के पैसों थे मेरे, खाली मेरे तो नहीं भाई, है भरो ना। फिर मैडम किरण बेदी बनो एक बारी, मैडम एक बारी किरण बेदी बनो, मैं पक्का अपने सल्यूट करा करूंगा, और अपने अपने बालकों से अपने मिला के जाऊंगा कि यो मैडम है किरण बेदी दूसरी। हाँ ये देख लो जी, ऑटो भरा पड़ा होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ भी कोई नेता की रैली हो जाए, ये तो चौक है जहाँ पे रैलियां होती है, यहाँ नेता की रैली हो जाए किसी एक की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे चलान काटने की। दुखद 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 आम नागरिक इतना दुखी कर दिया, इतना ज्यादा दुखी कर दिया, कहने की अतनी। लो मैं तो चलान दे रहा, ये मैडम कितने का जी चलान बताओ? इनका तो मास्क लगा हुआ था। हाँ आप बताओ जी कितने का है? लो जी मैडम फोटो बनाओ। हाँ हाँ नाम बताओ मैडम, लिखो साहिल हिंदुस्तानी। हेलो श्री रमेश कुमार। ये लो जी, ये 500 रुपए का चलान साहिल हिंदुस्तानी ने अपने नाम का कटवा लिया है।
कट्टर साहब और बता दियो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तनख्वाह तनखू में, आपके गाड़ियों के तेल में, हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस में, कोई और दिक्कत हो तो बताओ। हैं? हाँ जी, एड्रेस लिखो मैडम, खेड़ा कॉलोनी करनाल। ठीक है जी, और बता दियो खट्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं एक बारी गाड़ी आगे कर दूं। लो जी, चलान कट गया जी और मैंने पैसे दे दिए हैं। हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे हुए, अब ये सोच रहा हूँ वाइफ को यहीं छोड़ जाऊं या मैं खुद यहीं पे रहूं, वाइफ को घर भेज दूं, ये समझ नहीं आ रहा है। अब क्या कहूं खट्टर साहब, फिर मैं मेरे मुंह से कुछ अजीब सा निकल जाएगा, तो ये बता दो खट्टर साहब क्या करूं। है खट्टर साहब बता तो दो क्या करूं अब फिर मैं। यो दे दिए खट्टर साहब, तनख्वाह में कम पड़ते और बताइयो, यहाँ रखवा दो एक पेटी, मैं करनाल की जनता को अपील करूंगा आते जाते 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 दे के जाए, कहीं दिक्कत ना हो। अरे इतनी देर से दुनिया भर के बगैर मास्क के नेता पता नहीं कहाँ का घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलो जय हिंद जय भारत। ये चलान कट गया जी, है दुख इस बात का है, कहीं किसी गरीब को देता तो हंसी तो आती और खुशी तो होती, मुझे भी होती है और उसको भी होती। अब इस बात का दुख है कि ये तो आम जनता को दबाया जा रहा है, गुट्ठा गुट्ठा मतलब ऐसा कर दिया आम जनता को कि मतलब वो सांस ले तो वो सोचे विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया दिन, मोदी जी बहुत सपोर्ट किया था आपको 2014 से, आपके लिए बहुत सारी दुश्मनी नहीं, लोगों से गालियां सुनी, आपके लिए कंपेनिंग की, बहुत बढ़िया अच्छे दिन आए, भगवान ऐसे अच्छे दिन किसी को ना दिखाए। जय हिंद जय भारत। बात 500 की दुख की नहीं है, 500 और ले लो, बात है नजायज की, नजायज हो रहा है आम जनता के साथ, बहुत ज्यादा नजायज हो रहा है आम जनता के साथ। मैंने इनको फोटोएं दिखा दी, खट्टर साहब आपकी भी दिखा दी बगैर मास्क की, ठीक है, और मैंने इनको कहा कि कोई एक किरण बेदी बन के तो दिखाए, दिखाए तो सही, उसने तो इंदिरा गांधी का चलान कर दिया था, पर मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने इतना सब गोलमाल कर दिया शाम दाम दंड भेद कि इनकी हिम्मत नहीं है आप लोगों का चलान करने की। जय हिंद जय भारत। भारत देश का एक नागरिक जो आपसे बहुत ज्यादा दुखी, आपकी सरकार से, आपकी नीतियों से और आपके इन फालतू के, कौन आ गया, हाँ जी शर्मा जी क्या हाल है, शर्मा जी आपने यहाँ से लाइव किया, करो भैया करो, यहाँ पे एक पुलिस वाले सज्जन थे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उनकी, वो बगैर मास्क के थे, उनका चलान नहीं कटा है, मैं हस्बैंड वाइफ गाड़ी में थे और उनका चलान कटा है। ठीक है शर्मा जी, हाँ हाँ ये करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, शायद आप लोग आवाज उठाए तो सरकार की नींद खुल जाए। चलो सबको जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि। मैंने एक बात बोल दी, आप बोलो अभी जो मैं ऐसा है जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब आप देखो आपने नाक पे लगा लिया, अब लगा लिया नाक पे, बोलो भाई साहब, ऐसा है आराम से बात करो, आराम से आराम से आराम से, देखो जी इन्होंने नाक, मैं कह रहा हूँ जी साफ साफ, मेरा मास्क का चलान काट दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर इनसे अब हस्बैंड वाइफ गाड़ी में चलान कटवाएंगे तो घर पे कहाँ रहेंगे, मेरी गाड़ी में मैं और मेरी वाइफ है, घर पे कहाँ रहेंगे हम। हाँ गाड़ी ने साइड में ला ले, पब्लिक और भी परेशान हो रही है, बढ़ा दी बाजार में। आजो भाई साहब, आजो बगैर मास्क वाले, आजो भाई साहब बुलाओ जी उन्हें जी, मेरा यहाँ पर, मैं मेरी वाइफ के साथ मेरी गाड़ी में हूँ बिल्कुल, इन्होंने मेरा मास्क, गाड़ी रुकवा ली कि मास्क का चलान कटेगा, हस्बैंड वाइफ है जबकि हमारे गाड़ी के शीशे चढ़े हुए हैं, वो कह रहे घर पे आप बगैर मास्क के रहो, गाड़ी में मास्क लगा के रहोगे, गाड़ी के अंदर हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद किस चीज का मास्क का चलान हो रहा है। अभी परसों यहाँ पे सीएम साहब खट्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने मास्क नहीं लगा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं है, जबकि कानून में सब आदमी सब इंसान समान है, उनका किसी ने चलान नहीं काटा, सारे मंत्रियों के फोटो है मेरे पास जो बगैर मास्क के घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे पुलिस वाले सज्जन थे जिन्होंने नाक पे मास्क नहीं लगाया हुआ था और उनका चलान नहीं काटा, मेरे पास उनकी फोटो है,
मैंने कहा जी उनका चलान काटो, मेरी कटवाने को तैयार, और मैं तो अभी भी तैयार हूँ, लेकिन अपने तो कानून, अपने तो रूल अपनाओ। और किसी ने भी ये कहा है, वो सज्जन आएंगे नहीं सामने जिन्होंने नाक पे मास्क लगा रखा था, नाक पे नहीं लगाया हुआ था। तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा जी क्या हो रहा है। मुखिया साहब थोड़ी तो शर्म कर लो, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, आपने तो कोई मास्क नहीं लगा रखा था, मोदी जी ने मास्क नहीं लगा रखा था, मेरे पास फोटो पड़ी है आप लोगों की, आपका कोई मंत्री मास्क नहीं लगा रहा, ये क्यों जनता को मतलब यहाँ जनता के यहाँ दबा दो सीधा सीधा जी, जनता के सीधा सीधा यहाँ गुट्ठा दे दो, अपनी तनख्वाहों, अपनी पेंशन और अपनी अय्याशियों के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए यहाँ गुट्ठा दे दो जी, जनता के सीधा 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 बोलो, यहाँ चंदे एक पेटी रख दो दान की, आते जाते दान दे जाए नेताओं की तनख्वाह के लिए। शर्म आ रही है मुझे, शर्म हस्बैंड वाइफ गाड़ी के अंदर। अच्छा मेरी वाइफ ने जबकि मास्क लगाया हुआ है, ये देखो मेरा नहीं था, हस्बैंड वाइफ गाड़ी के अंदर भी चलान कटेगा। देखो क्या क्या गजब की चीजें चल रही है हमारे देश में। और वो पुलिस वाले सज्जन जो है अब सामने नहीं आ रहे, मेरे पास फोटो है उनकी, मेरे पास फोटो है, मैंने उन्हें कहा कि पहले इनका चलान करो उसके बाद मेरा चलान करना, तो पूरा ज्ञान दिया गया कि जी मैं तो नाक पे लगाऊंगा तो मेरे यो दिक्कत हो जाए, तो आम पब्लिक को भी दिक्कत हो सकती है जी फिर तो। और गाड़ी के अंदर वो तो पब्लिकली खड़े थे यहाँ पे, वो तो पब्लिकली आप देखोगे यहाँ भीड़ में खड़े थे पूरे के पूरे, अभी वो सज्जन गायब हो गए हैं। मैडम वो सज्जन का नाम बताएंगे क्या था जी? मैडम वो सज्जन का नाम बताएंगे? ठीक है तो, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहस ना करो। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सज्जन अब जो पुलिस वाले थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था नाक पे, उनका इन्होंने चलान नहीं किया, मेरे पास फोटो है, वो अब यहाँ से नहीं है, वो नदारद हो गए हैं। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, गाड़ी के अंदर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, उनका चलान कट रहा है, मतलब हम तो रात को फिर एक कमरे में रहना, एक कमरे में खाना पीना, साथ में खाना पीना सब कुछ बंद कर दे, ऐसे ही आपके हिसाब से जायज हो रहा है जी? गलत है जी है? मतलब हस्बैंड वाइफ गाड़ी में है उनका भी चलान होना चाहिए, या मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊं कि मैं इनका पति और ये मेरी पत्नी है, या मैं अपने शादी का सर्टिफिकेट साथ में लेके चलूं इनके लिए, है जी? नहीं नहीं मैडम नाक पर नहीं है मैडम। हाँ जी मैडम, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, मैं पब्लिकली नहीं हूँ मैडम, मैं गाड़ी में हूँ। नहीं मैं तो आपसे रीजन पूछ रहा हूँ मैम, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ। हाँ जी जो बहस कर रहे हैं ये, हाँ जी बहस नहीं कर रहा मैं मैम, अगर देश में नजायज चीजें होंगी तो आवाज भी ना उठाए क्या? नजायज चीजें होंगी तो आवाज भी ना उठाए। हाँ जी हाँ जी हैं, हाँ भैया हस्बैंड वाइफ है, अब ये मैरिज सर्टिफिकेट मंगाऊंगा जी या आधार कार्ड दिखाऊं? अब मैं मतलब घर पे इसको छोड़ नहीं सकता, या तो मोदी जब तक है, क्या हाल है सनी भाई, जब तक मुझे लगता है कि ये खट्टर साहब की सरकार है तब तक मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ को अलग हो जाना चाहिए अपने घरों से ही। नहीं मैं अभी तक ये बात ही नहीं समझ पा रहा कि हस्बैंड वाइफ का गाड़ी के अंदर किस चीज के लिए चलान हो रहा है, किसी के पास कोई रीजन नहीं है इसका। और पब्लिकली वो पुलिस खड़ी थी यहाँ पे, जिसके नाक पे मास्क नहीं था उनका चलान नहीं किया, उन्हें यहाँ से भेज दिया गया, और मैडम के पास कोई भी जवाब नहीं है। हद कर दी मुखिया साहब आपने, हद कर दी बिल्कुल। अब कर देना कोई मेरे ऊपर केस, कोई केस डाल देना, अभी किसी का फोन करा देना कि साहिल हिंदुस्तानी का ऊपर केस डाल दो और लपेटे में ले लो, आज मौका पड़ा है इसका। अरे नाजायज चीजों के खिलाफ तो बोलूंगा या नहीं बोलूं, या तो मैंने सीट बेल्ट ना लगा रखी हो, वाइफ ने मेरे मास्क लगा रखा है, हस्बैंड वाइफ गाड़ी में मास्क लगाएंगे क्या? अब मैं इनको यहीं पे छोड़ जाऊं क्या? चलान तो कट गया, मैं घर लेके जाऊं क्या? नहीं जाऊं क्या? तो आप घर पे भी भेज दो पुलिस वालों को कि चलान काट भाई इनका, ये घर पे कैसे चले गए? समझ नहीं आ रही, मतलब जनता को यहाँ गुट्ठा दे दो, मार दो बिल्कुल मार दो, क्योंकि आप लोगों के अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टरों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो आप सोच रहे हो कि जनता के यहाँ गुट्ठा दे दूं मैं? नहीं मतलब कोई एक आदमी बोल दे कि हस्बैंड वाइफ का गाड़ी के अंदर चलान होना चाहिए, मैं तैयार हूँ, और मैं तो अभी भी देखे जाऊंगा। नहीं होना चाहिए मैडम, एक हस्बैंड वाइफ का गाड़ी के अंदर बैठे हुए चलान होना चाहिए मास्क का? नहीं होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए,
हाँ जी भाई साहब होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए जी भाई साहब होना चाहिए जी, नहीं जी, हाँ जी होना चाहिए जी, हाँ जी बताइए होना चाहिए, बताइए भाई साहब होना चाहिए। ये लो जी, ये जनता की आवाज, लोकतंत्र है। एक ने भी कहा, एक ने भी नहीं कहा कि होना चाहिए। तो दुख इस बात का हो रहा है, दुख इस बात का हो रहा है, मेरे को 1500 से फर्क नहीं पड़ता। खट्टर साहब यहाँ रख दे पेटी कि हाँ भैया मेरी तनख्वाह कम पड़ रही है, मुझे तनख्वाह नहीं मिल पा रही, मैं यहाँ दान डाल के जाया करूंगा डेली कुछ ना कुछ 20-50 सौ रूपये। पर ऐसे थोड़ी ना कि आप जनता को नजायज गुट्ठा देंगे यहाँ पे। ये सब नजायज कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल नजायज। आपकी रैलियों में काफी हो रहा है, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हो, आप बगैर मास्क के थे, किसी ने आपका चला। वो फिर वो किरण बेदी थी, बस वो किरण बेदी थी और वो इंदिरा गांधी थी, नहीं वो किरण बेदी थी। अब तो मेरे ख्याल से किरण बेदी नहीं रह रही यहाँ पे। आपने शायद इनको भी इतना दबा दिया कि इनमें कोई किरण बेदी बनने के भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आप पुलिस वाला गायब कर दिया है, और वो पुलिस वाला अब है नहीं जी, मैं बता रहा हूँ। जिसके नाक पे मास्क था, जिसने हमें रोका था, उसके नाक पे मास्क नहीं था। हाँ, और वो इससे यहाँ से नदारद है। मेरे पास तो फोटो है, मैं भेज दूंगा जहाँ भी इसलिए होगी, सोशल मीडिया को चाहिए होगी, किसी प्रेस रिपोर्टर को चाहिए होगी। पर मैडम मैं चाहता हूँ आप लोग किरण बेदी बने, हम आप लोगों को सल्यूट करें, हम लोग आप लोगों को सल्यूट करें, आप किरण बेदी बने। कब बनोगे आप? है कौन 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 ऐसा होगा जिसने कानून की शपथ लेके बगैर मास्क वाले नेताओं का चलान किया होगा? एक की हिम्मत नहीं है किसी की करने की। आम जनता को गुट्ठा दे रखा है सब लोगों ने, यहाँ पे सबने गुट्ठा दे रखा है। हाँ पब्लिक जाओ भाई, जाओ जाओ, चलान नहीं तो चलान थारा भी कट जाएगा भाई, जाओ तुम भी यहाँ से, मैं तो थारा भी काट देंगे किसी ना किसी वजह का। हाँ तो भरूंगा भाई, चिंता मत करे यार, मैंने बेरा मारे भरे तो थारी तनख्वाह आएंगे भाई, हमने बेरा भाई। और मेरे करते नहीं, मेरी भाई 140 करोड़ जनता के टैक्स के पैसों पे, मेरे खाली मेरे तो नहीं भाई, हैं भरो ना। फिर मैडम किरण बेदी बनो एक बारी, मैडम एक बारी किरण बेदी बनो, मैं पक्का अपने सल्यूट करा करूंगा, और अपने अपने बालकों से अपने मिला के जाऊंगा कि यो मैडम है किरण बेदी दूसरी। हाँ ये देख लो जी, ऑटो भरा पड़ा होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ भी कोई नेता की रैली हो जाए, ये तो चौक है जहाँ पे रैलियां होती है, यहाँ नेता की रैली हो जाए किसी एक की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे चलान काटने की। दुखद 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 आम नागरिक इतना दुखी कर दिया, इतना ज्यादा दुखी कर दिया, कहने की आदमी। लो मैं तो चलान दे रहा, ये मैडम कितने का जी चलान बताओ, इनका तो मास्क लगा हुआ था। हाँ आप बताओ जी कितने का है। लो जी मैडम, हाँ हाँ नाम बताओ मैडम, लिखो साहिल हिंदुस्तानी। हेलो श्री रमेश कुमार। ये लो जी, ये 500 रुपए का चलान साहिल हिंदुस्तानी ने अपने नाम का कटवा लिया है। कट्टर साहब और बता दियो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तनख्वाह में, आपके गाड़ियों के तेल में, हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस में, कोई और दिक्कत हो तो बताओ। हैं हाँ जी एड्रेस लिखो मैडम, खेड़ा कॉलोनी करनाल, ठीक है जी। और बता दियो खट्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी मैं एक बारी गाड़ी आगे कर दूं। लो जी चलान कट गया है जी, और मैंने पैसे दे दिए हैं, हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे हुए। अब ये सोच रहा हूँ वाइफ को यहीं छोड़ जाऊं या मैं खुद यहीं पे रहूं, वाइफ को घर भेज दूं, ये समझ नहीं आ रहा है। अब क्या कहूं खट्टर साहब, फिर मैं मेरे मुंह से कुछ अजीब सा निकल जाएगा, तो ये बता तो दो खट्टर साहब क्या करूं। है खट्टर साहब बता तो दो क्या करूं अब फिर मैं। यो दे दिए खट्टर साहब, तनख्वाह में कम पड़ते, और बताइयो यहाँ रखवा दो एक पेटी। मैं करनाल की जनता को अपील करूंगा, आते जाते 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 दे के जाए, कहीं दिक्कत ना हो। और इतनी देर से दुनिया भर के बगैर मास्क के नेता पता नहीं कहाँ का घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलो जय हिंद जय भारत, ये चलान कट गया जी, है दुख इस बात का है, कहीं किसी गरीब को देता तो हंसी तो आती और खुशी तो होती, मुझे भी होती और उसको भी होती। अभी इस बात का दुख है
कि ये तो आम जनता को दबाया जा रहा है, गुट्ठा गुट्ठा मतलब ऐसा कर दिया आम जनता को कि मतलब वो सांस ले तो वो सोचे विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया दिन, मोदी जी बहुत सपोर्ट किया था आपको 2014 से, आपके लिए बहुत सारी दुश्मनी नहीं, लोगों से गालियां सुनी, आपके लिए कंपेनिंग की, बहुत बढ़िया अच्छे दिन आए। भगवान ऐसे अच्छे दिन किसी को ना दिखाए। जय हिंद जय भारत। बात 500 की दुख की नहीं है, 500 और ले लो। बात है नजायज की, नजायज हो रहा है आम जनता के साथ, बहुत ज्यादा नजायज हो रहा है आम जनता के साथ। मैंने इनको फोटोएं दिखा दी, खट्टर साहब आपकी भी दिखा दी बगैर मास्क की, ठीक है। और मैंने इनको कहा कि कोई एक किरण बेदी बन के तो दिखाए, दिखाए तो सही, उसने तो इंदिरा गांधी का चलान कर दिया था। पर मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने इतना सब गोलमाल कर दिया शाम दाम दंड भेद कि इनकी हिम्मत नहीं है आप लोगों का चलान करने की। जय हिंद जय भारत। भारत देश का एक नागरिक जो आपसे बहुत ज्यादा दुखी, आपकी सरकार से, आपकी नीतियों से और आपके इन फालतू के, कौन आ गया, कौन? हाँ जी शर्मा जी, क्या हाल है शर्मा जी? आपने यहाँ से लाइव किया? करो भैया करो, यहाँ पे एक पुलिस वाले सज्जन थे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उनकी। वो बगैर मास्क के थे, उनका चलान नहीं कटा है। मैं हस्बैंड वाइफ गाड़ी में थे और उनका चलान कटा है, ठीक है शर्मा जी? हाँ हाँ, ये करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, शायद आप लोग आवाज उठाए तो सरकार की नींद खुल जाए। चलो, वो बगैर मास्क के थे, उनका चलान नहीं कटा है। मैं हस्बैंड वाइफ